हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलिया स्टूडियो। तो गाइस, आज है ना मैं जेरीमरी में आई हूँ, जो कि हमारे यहाँ पर एक फंक्शन है। वहाँ पर जो है दिलीप लांडे सर जी जो है यहाँ पर, जो कि इस एरिए के एमएलए है, वो जो है यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं आपको उनकी जो है ग्रैंड एंट्री दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, चलिए ब्लॉग को फटाफट से शुरू करते हैं। हमारे सभी के लड़के अंदर अंदर सम्मान दिलीप मान लांडे जी का हार्दिक स्वागत, सोल से स्वागत। हमारे सभी के लड़के चांदौली विधानसभा के अंदर अंदर सम्मान दिलीप मान लांडे जी का आगमन हो चुका है। सभी लोग मेरे माँ बहनों से सभी से गुजारिश है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इसके लिए मैं ये सब बताना क्यों चाहूंगा कि आने आ रहे कुछ दिनों में कुछ इलेक्शन आएगा। इलेक्शन आने के बाद दिलीप मामा हिंदू हो जाएगा और ये मुसलमान पे वोट मांगेंगे और मसीहा बनेंगे मुसलमान को। फिर आई वोट में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हरी मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है जो खेराई रोड की, उसको मामा ने टॉयलेट का, बाथरूम का, वजू खाने का, ऑफिस का सभी मामा ने करके दिया है काम। उसके आगे दुर्गा गली है, उधर हुसैनिया मस्जिद है, उधर मामा ने वो मस्जिद का काम करके दिए हैं। इसके बाद रहमत मस्जिद यादव नगर, उसका मामा ने काम करके दिया। ये नाम क्यों ले रहा है कि आप लोगों को कोई बहकावे, कल को कोई बोले अरे वो तो हिंदू है, तो बोल लेगा हिंदू है, लेकिन जो मुसलमान था वो क्यों नहीं काम किया? ये हिंदू आदमी मस्जिदों का काम कर रहा है, मदरसों का काम कर रहा है। इसके लिए आप लोगों को जवाब देना चाहिए, ऐसा आपके पास जवाब रहना चाहिए। इसके लिए मैं सब नाम ले रहा हूं। और एक सपना था मामा का कि मैं अगर आमदार बना कर भी तो मेरी माँ बहनों को, उनको महिलाओं को खास करके उनका ध्यान रहता है, माँ बहनों के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि सलीम कली में अगर एमएलए बना तो मेरी माँ बहनों के लिए एक आलिमा पढ़ने के लिए एक मदरसा जरूर बना के दूंगा। मैं आप लोगों को झूठी बातें नहीं करके, चाहिए तो आप यादव नगर में खेराई रोड में आप जाकर देख लीजिए सरवर चाल, उधर डबल महले का एयर कंडीशन, ओनली वन महिला मुस्लिम महिलाओं के लिए आलिमा के कोर्स के लिए मामा ने करा के दिया, उसमें आलिमा पढ़ाया जा रहा है। ये सब क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत से इलेक्शन देखा हूं, 2004 का देखा हो, 2007 का मामा के साथ देखा हो, 2009 का देखा हो, 2012 का देखा हो, 2017 का देखा हो, 2019 का। मैं जब भी जाता हूं इलेक्शन के टाइम, तो मामा 4 साल हिंदू नहीं रहता, इसके बाद हिंदू बन जाता है। इलेक्शन आएगा कुछ चंद दलाल आ जाएंगे कांग्रेसी, वो आकर आप लोगों को समझाएंगे अरे वो तो हिंदू है, मैं आपका भाई हूं। ये इसके लिए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप किसी के बहकावे में आओ पे मत जाओ, ये आप लोगों को जवाब के लिए ये सब चीज है। बहुत से ऐसे काम है, अभी थोड़े दिनों में 90 फीट पे उर्दू स्कूल का काम चालू होने जा रहा है मामा के थ्रू, तो ये सब बहुत से मुसलमानों के काम हुए, मैं बताते जाऊंगा तो मेरे लगता है आप में कल लगाए वहां चाहेंगे जब से। इसके लिए बहुत से काम अभी कर रहा, मेरी वेर देख लो, जो 20-20 साल मंत्री रहे एमएलए रहे वो नहीं कर पाए, लेकिन मामा ने 2-2.5 साल में करके दे दिया है। आधा काम हो चुका है, साकी नाका से हरी मस्जिद तक कुछ ही दिनों में, बीच में डिवाइडर लगने वाला है, लाइट लगने वाली है, ताजू पाड़ा का आप जाके रोड देख लो मामा ने कैसा बनाया, कि शायद मेरे को ऐसा लगता है पूरे महाराष्ट्र में कोई रोड रहेगा तो दिलीप मामा के घर के पास का रोड रहेगा ताजू पाड़े का। ये नारायण नगर चले जाओ रोड का काम चालू है, हिरनदानी चले जाओ रोड का काम चालू है, खराई रोड चले जाओ रोड का काम चालू, ये हर जगह काम चालू है मामा का। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, चंद दलालों के भड़काए में इलेक्शन के टाइम मत आओ, उनको थोड़ा पैसा मिलता है, ज्यादा दिन के लिए भी नहीं, 2-4-10 हजार रुपए के लिए तुम लोग को बहकाएंगे ये करेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत तजुर्बा हो गया इलेक्शन के बारे में, क्योंकि घर घर आएंगे बोलेंगे अरे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो भाई है, ये कसाई है, ऐसा करके ये सब ऐसा वो चलेगा।
इसके लिए आप लोगों ने हाथ जोड़ के कि आप लोगों का जो काम कर रहा है अपने धर्म का जो काम कर रहा है, एक हिंदू आदमी रहकर वो हिंदू समाज का वो अपना काम तो करेंगे ही, लेकिन अपने समाज को भी बढ़ के संभाल के ले रहा है वो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आने वाले इलेक्शन में दिलीप मामा का धनुष बाण निशानी है, आप लोग धनुष बाण पर मोहर लगाकर दिलीप मामा को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ हुसैन भाई, आपको कहा जाता है कि दिलीप गांधी एक हिंदू है, आप तो मां बहन है, आप आपके दिल के दिल से कह दीजिए हिंदू बनना मुस्लिम बनना किसके हाथ में, बता दो कि आपके हाथ में है कि आप किसी को हिंदू बना सकते हैं, आप किसी को मुस्लिम बना सकते हैं। मां बहनों, जब मां के पेट से बच्चा पैदा हो जाता है ना वो हिंदू रहता है ना मुस्लिम रहता है, वो पैदा होने के बाद उसको अपन स्टैंप लगाते हैं, ये हिंदू है ये मुस्लिम है। मैं आपको जाति धर्म के बारे में कहने के लिए नहीं आया, मैं आपको ये बताने को आया कि मेरा जो फर्ज है, मेरी जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दिया है वो जिम्मेदारी पूरी करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। 20 साल क्या हुआ, 20 साल में आप लोगों ने क्या किया, 20 साल में क्या करना चाहिए था, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। 20 साल तो आप लोगों ने देख लिया है। एक मेरे पुराने जमाने में एक पिक्चर का नाम था 20 साल बाद। अभी 20 साल बाद चांदोली के अंदर पिक्चर नहीं शुरू हो जा रहे, लेकिन मेरे बाबू ने 20 साल के अंदर आपको और आपके परिवार को धर्म का वास्ता देके, प्रांत का वास्ता देके, ओम का वास्ता देके, वही आपके वोट लिया, आपकी दुआ लिया, लेकिन ना समाज का विकास हुआ ना समाज के लिए कुछ काम हुआ। मेरे मां बहनों, आप लोगों ने देखा नहीं है, आपके सामने चुनाव के माध्यम से कहा जाता था कि इस्लाम खतरे में, भाई को वोट देना है। मेरे मां बहनों बता दो, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर किसकी हिम्मत है, कौन ऐसा पैदा हुआ है कि इस्लाम को खतरे में लाएगा, बता दो। और कौन ऐसा पैदा हुआ है कि वो इस्लाम को बचाएगा। अरे इस्लाम धर्म की जो बात है, इस्लाम धर्म के अंदर जो पढ़ा है, इस्लाम धर्म के अंदर जो सिखा है, वही अगर सब बच्चों के सामने रखते थे, भावी पीढ़ी के लिए करते थे, तो लोगों को दिलीप लांडे को चुन के देने की कोई जरूरत नहीं। मेरे मां बहनों, आप लोगों ने गांव पे कौम के नाम पे वोट दिया, प्रांत के नाम पे वोट दिया, जरूर देना चाहिए। मैं भी अगर मुस्लिम होता तो मैं एक बार वोट देता था, धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे, अपना भाई समझ के एक बार वोट देता था। लेकिन 5 साल के अंदर आपने धर्म के लिए, आपने कौम के लिए कुछ काम नहीं किया, तो उसको बोलते थे बाहर जाके खड़े रहो। लेकिन आप लोगों ने 20 साल धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे वोट दिया। मेरे भाई बहनों, आपको मैं ये कहने आया हूं, 20 साल के अंदर जिस धर्म के नाम पे वोट दिया, जिस कौम के नाम पे वोट दिया, जिस प्रांत के नाम पे वोट दिया, आप मेरे भाई बहनों बता दो कि आपकी कौम की भाषा, आपकी धर्म की भाषा पढ़ने के लिए, आपके बच्चे को उर्दू पढ़ने के लिए पूरे 20 साल के अंदर एक उर्दू स्कूल कहां बना, बता दो, एक उर्दू स्कूल बता दो, अल्लाह की कसम खा के बता दो, क्या आपकी उर्दू भाषा सीखने के लिए
आपकी उर्दू भाषा पढ़ने के लिए एक उर्दू स्कूल कहां बनाया? ये कौन का है ना, ये धर्म का है ना, तो आपके धर्म की भाषा उर्दू है ना, उर्दू भाषा टिकना चाहिए, उर्दू भाषा पढ़ना चाहिए। के अंदर कैसे पढ़ते हैं वो माँ बहन आप लोगों ने देखा है, आपके बच्चे उर्दू पढ़ने के लिए आपके उर्दू स्कूल के लिए filled up with emotion, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken, I can't move.